आज आप सभी के लिए लेकर आए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बिना लहसुन प्याज का मुंह में घुल जाने वाले पनीर कोफ्ता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला महेश्वरी गैस से किचन में आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़े साइज का मैंने आलू लिया है और एक कप ये पनीर कद्दूकस किया हुआ। एक प्लेट में मैंने आधी चम्मच अजवाइन, एक चम्मच कसूरी मेथी और एक चम्मच मैंने मीठी सौंफ इसमें ऐड करी हूँ। एक प्लेट में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे भी मिक्स कर लेना इस तरीके से। आधी चम्मच मैंने मिर्ची का पेस्ट और एक चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर आटा डाला है और एक कप बेसन। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है ताकि फ्राई करते समय आपका पनीर कोफ्ता फटे ना। इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और इसे थोड़ा सा तेल इसमें ऐड करके इस तरीके से चिकना कर लिया। बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लोई उठाइए और एक लड्डू के आकार का ये कोफ्ता बनाइए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पनीर के कोफ्ते बना लिए हैं। तो चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल लग दिया। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो सबसे पहले मैंने एक चेक किया कि ये फट तो नहीं रहा है। तो पहले आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप एक ही फ्राई करिएगा और तेल को मीडियम पे ही रखिएगा और इस तरीके से करते जाइएगा कलछल से, ताकि ये फटे ना। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फटा नहीं है और बहुत ही आसानी से अच्छे से इसका कलर भी आ गया है। तो देख सकते हैं, तो इसी तरीके से मैंने सारे पनीर के कोफ्ते को तेल में फ्राई कर लिया है एक एक करके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पनीर कोफ्ते को अच्छे से मीडियम पे ही फ्राई कर लिया है। इसको नहीं तो तेज आँच करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। और यकीन मानिए, बिना लहसुन प्याज का ये पनीर का कोफ्ता बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप कोई भी त्यौहार या सावन या किसी भी त्यौहारों पे ये सब्जी बनाइए और मेहमानों सबको खिलाए, सबको ये सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। तो देख सकते हैं कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है। तो अब एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। एक भी फटा नहीं है, बहुत ही शानदार बना है ये। ये देखिए, अब एक कढ़ाई में मैंने दो चम्मच तेल डाला है। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो एक प्लेट में मैंने एक चम्मच जीरा, एक चम्मच मैंने ये खड़ा मसाला लिया, इसको हल्का सा बस कूटा था, दो तेज पत्ते, दो सूखी लाल मिर्च और आधी चम्मच जीरा। इस तरीके से इसे हल्का सा इस तरीके से चला लेते हैं पहले। अब इसमें एक चम्मच में ड्राई कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और एक चम्मच मिर्ची का पेस्ट और आधी चम्मच अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छे से इस तरीके से चला लेते हैं मसाले को। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज टमाटर कद्दूकस किया हुआ डाली हूँ। मिक्सी में नहीं पीसी, पहले इसे कद्दूकस करके डालिएगा तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें मैंने दो चम्मच टमाटर केचप डाला है। तो देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आएगा, खाने में तो लाजवाब ही लगेगा। अब इस मसाले को अच्छे से भून के मैंने एक प्लेट में मैंने लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मैंने ये अदरक का सोट और एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला एक चम्मच और एक चम्मच छोले मसाले लिए हैं। अब इस मसाले को अच्छे से इस तरीके से कंटिन्यू चलाते जाना। ध्यान रहे, सारे मसाले आपके पास जरूर होंगे तो इसे आप जरूर बनाइएगा। मसाले को अच्छे से ढक के थोड़ा देर भून लेते हैं। मसाले अच्छे से ये हो गए हैं। अब इसमें मैंने तीन चम्मच काजू का पेस्ट ऐड कर दिया है और तीन चम्मच ये मैंने पालक को उबाल के इस तरीके से एक पेस्ट तैयार कर लिया, इसे भी ऐड कर दी हूँ। और इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते जाना है, मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है, पानी को भी अच्छे से पकने देना है इसको। तो ये देखिए, बहुत ही शानदार बनने वाला है आपका पनीर का कोफ्ता। जरूर एक बार ये रेसिपी आप जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। तो ये देखिए, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार और इसे इस ग्रेवी को थोड़ी देर से पकने देते हैं अच्छे से ढक कर। और ये झटपट बन भी जाता है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद मैंने चेक कर लिया, ये अच्छे से ये पक गया है। तो अब एक कप पनीर का कोफ्ता इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरीके से।
और इसे थोड़ी देर ढक के और रख देंगे तो थोड़ी देर और पक के अच्छे से ये हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसे ढक के अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया है तो ये आपका पनीर का कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें एक चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं, पर मैंने मलाई का बिल्कुल यूज नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने काजू का पेस्ट डाला है। तो चलिए फटाफट सर्व के लिए, इस तरीके से मैंने प्लेट में इसे पनीर का कोफ्ता रखा है। तो सामान्य है किसी भी त्यौहार पर पनीर का कोफ्ता ज़रूर बनाइए।